नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल का को जो आपने प्यार दिया, उसके लिए मैं करबद्ध धन्यवाद करता हूं, आपके प्रेम का आभारी हूं। यह आपका अपना चैनल है और आज होली पूजन है। आज 11:15 बजे के बाद में होली जलेगी, मंगलेगी, होली का दहन होगा। देसी भाषा में होली जलना बोलते हैं। और पूजन आज अभिजीत मुहूर्त में करें तो अच्छा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मित्रों, कल धुलैंडी है, रंगों की होली हो, आपके जीवन में खुशियां उल्लास हो, मिठाइयां हो और खूब मिठास हो, प्रेम हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही मैं आप सभी से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मित्रों होली के त्यौहार को रंग में होली रहने दें। और जो भी भाई इस दिन साफ सुथरी होली मनाने में सहयोग देंगे वो बहुत बढ़िया है। पानी और रंगों की होली के लिए ये रंगों का और पिचकारी का त्यौहार है। जो पानी के वेस्टेज की बात करते हैं उनसे आप कहिए कि एक दिन की छूट सबको मिलती है, ये रंगों का और पानी जल का त्यौहार है और ये हमारा अधिकार है, आप सबका अधिकार है। तो मित्रों, इसी के साथ ही एक बात मैं और कहूँगा, 17 मार्च को लड्डू होली वाले दिन बरसाना में एक दुर्घटना हो गई, करीबन कुछ लोग 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, रेलिंग टूट गई। और ऐसा इसीलिए हुआ, बताया जाता है कि गोसाई समाज की तरफ से बताया गया कि जो प्रवेश मार्ग को निगमन का मार्ग कर दिया और निगमन का जो मार्ग है, निकलने का मार्ग, वो प्रवेश मार्ग में बदल दिया। ऐसा क्यों करा ये तो प्रशासन ही बताएगा, परंतु मित्रों आपकी और हमारी जिम्मेदारी है अनुशासन की। मैं देखता हूँ वृंदावन में भी भीड़ हुई थी, होती है, शनिवार इतवार को छुट्टी हुई और दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा वृंदावन में, बरसाना में, गोवर्धन में जुट जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठाकुर युगल सरकार के प्रति प्रेम बढ़ा है, ये बहुत अच्छा लगा देख करके। परंतु मित्रों, अनुशासन हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। मैं NCC का कैडेट रहा हूँ, इसीलिए एकता और अनुशासन की बात करूँगा। एकता आप सभी ने दिखाई, इसीलिए राम मंदिर बना। और जो अभी देख रहे हैं एकता जगह जगह 22 जनवरी को देखने को मिली, परंतु मित्रों मंदिरों में अनुशासन जरूर रखें। और वो ये है, बुजुर्ग हैं उनको पहले आगे बढ़ने दें। और रेलिंग टूटी क्यों, ज़्यादा भीड़ जो ऊप सामने से आने वालों की और नीचे से जाने वालों की, तो रेलिंग जो स्टील का रेलिंग था बरसाना में वो टूट गया, इसलिए टूटा क्योंकि भीड़ उस पर टूट पड़ी। तो मित्रों धक्का मुक्की हो गई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बन गई है। मित्रों ऐसा न करें, आप एक बार दूसरे को आगे बढ़ने का मौका तो देखें। हो सकता है जिसको मैं आपका मतलब आपको नहीं कह रहा, उन भाइयों को बोल रहा हूं जो धक्का मुक्की करते हैं। धक्का मुक्की करने वाले भाइयों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपया हा हुल्लड़ न करें, आप वानर नहीं हैं, वानरों के समान चंचल न बने। जो भाई धक्का मुक्की करते हैं, युवा वर्ग से विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि आप देश के लिए मर मिट जाने का जज्बा रखते हैं, काफ़ी जवान मैं देखता हूँ, जब हम गोवर्धन परिक्रमा जाते हैं देने के लिए तो रास्ते में सुबह सुबह निकलते हैं तो दौड़ लगाते मिलते हैं। तो ये उत्साह आप वहाँ मंदिरों में भी बना कर देखें, जरूरी नहीं है आप सेना में सेवा करें। युवा वर्ग जो एक टीम बनाएं और वो मंदिरों में, तीर्थों में ये ख्याल रखें कि कोई धक्का मुक्की ना करे, जो धक्का मुक्की करने वाले लोग हैं उनको भीड़ से पकड़ के अलग कर दें। तो एक बात और मैं कहूँगा, कभी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब धक्का मुक्की हो, मंदिर में अफरा तफरी हो, तो आपको किनारे चलना है, मंदिर की दीवार के साथ में आप सेफ रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और कभी आपको घबराना नहीं है, अफरा तफरी नहीं मचानी है। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ, जय श्री राम।